Hey guys, most welcome to all of you in this video. And in this video we discuss about the application form and the submission of the application form for the postgraduate courses like MA, MSc, MCOM and also for the vocational courses. आज के इस वीडियो में हम लोग जो वोकेशनल कोर्सेज के लिए जो सबमिशन है ऑनलाइन प्रक्रिया है एंड जो पीजी के कोर्सेज है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सारी ऑनलाइन प्रक्रिया है और कैसे इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है एंड अभी भी कुछ ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके लिए अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुए हैं और ये बातें आप जानते भी हैं एंड वो कौन से सारे कोर्सेज हैं मैं आपको बताता हूँ। वे सारे कोर्सेज हैं MA, MSc, MCOM यानी जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है उनके लिए अभी अप्लाइंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी के साथ यह भी डिमेरिट है कि अभी तक इन्होंने सारे शेड्यूल को अपलोड नहीं किया है यानी वेबसाइट पे जब आप अलर्ट एंड अपडेट वाले सेक्शन में प्रोग्राम वाइज डिटेल्स को अपलोड नहीं किया है, प्लस नहीं कोर्स के स्ट्रक्चर को अपलोड किया है, नहीं अप्लाई करने के प्रोसेस को अपडेट किया है, मीन्स बहुत सारे अभी फंक्शंस को अभी एक्टिवेट नहीं किए है पटना यूनिवर्सिटी। देन ये सारे प्रोसेस को कब अपडेट करेंगे, मीन्स कब आएगा प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, कब आएगा एडमिशंस का क्या सारा प्रोसेस रहेगा, ये सारा अपडेट पटना यूनिवर्सिटी जल्द ही अपलोड करने वाली है। और जो MA, MSc, MCOM यानी ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट का जो प्रोसेस है उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के प्रोसेस बहुत ही जल्द लाने वाली है। साथ में आपको बता दें कि पीजी के कोर्सेज यानी MA, MSc, MCOM यानी मीन्स ट्रेडिशनल कोर्सेज बेस्ड होता है ऑन द मार्क्स पे एंड इस पे PU के स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा वर्चस्व होता है। वहीं बात करें अगर वोकेशनल कोर्सेज के लिए तो इसमें सबका इक्वल होता है एंड इसमें आपको क्या करना होता है कि जो वोकेशनल कोर्सेज के लिए जो एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं देन आपका एडमिशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम दैट इज कंडक्टेड बाय द पटना यूनिवर्सिटी। तो इन फ्यूचर जो कंडक्ट करेगी पटना यूनिवर्सिटी वोकेशनल कोर्सेज के लिए वो डिपेंड जो आपका एंट्रेंस में रिजल्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपका एडमिशन होता है या फिर नहीं होता है। आपको बता दें पटना यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है एंड इसका जो डिमांड का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। मीन्स ऐसा रेट करने का मतलब है कि एक सीट पर जो यूजी के सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि यूजी के एक सीट पर स्टूडेंट्स का लगभग 20 स्टूडेंट्स का स्ट्राइक रेट था। मीन्स एक सीट पर 20-20 स्टूडेंट दावेदारी रखते थे, बट उस भीड़ को कम करने के लिए यूनिवर्सिटी कई सारे पॉलिसीज को एडॉप्ट करती है। देन पीजी में भी क्या सारी पॉलिसीज को एडॉप्ट करेगी वो डिपेंड है कितना सारा एप्लीकेशन सबमिट होता है फॉर दिस कोर्सेज। तो अगर बात करें कि जो MA, MSc, MCOM यानी ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए कब सारा प्रोसेस आएगा एंड जो सारा डिटेल है जो भी पटना यूनिवर्सिटी ने एक्सप्लोर नहीं किया है कब सारा डिटेल आएगा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हे गाइस वीडियो का एक बढ़ाते हैं, इसमें सारे इन्फॉर्मेशंस पे आपके रिलेटेड आपसे रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस वीडियो को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, बट अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड इन फ्यूचर सारे अपडेट पाने के लिए तो बेल आइकन मस्ट आपको प्रेस करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं जैसा कि अगर आप पटना यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं देन आपको मिलता है बैचलर ऑफ साइंस कॉमर्स ऑनर्स पार्ट थर्ड रिजल्ट। यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट के जो कोर्सेज है पटना यूनिवर्सिटी में वो डायरेक्टली डिपेंड करता है पटना यूनिवर्सिटी के पहले स्टूडेंट पे, दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के कंपेयर में कम डिपेंड करता है। तो पटना यूनिवर्सिटी अपने पीजी में एडमिशन के लिए डायरेक्टली डिपेंड होती है अपने स्टूडेंट पे सबसे पहले, चूंकि पार्ट थर्ड का रिजल्ट अभी तक आया नहीं था एंड ऐसी सिचुएशन में MA, MSc, MCOM मींस ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए एप्लीकेशंस के प्रोसेस को स्टार्ट यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने नहीं की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने पार्ट थर्ड के रिजल्ट को रिलीज कर दिया है और ये रिजल्ट बेसिकली कल ही रिलीज हो चुका है यानी 27 अक्टूबर 2021 को रिलीज हो चुका है रिजल्ट पार्ट थर्ड के आपका BSc एंड आपको BCOM के लिए आप देख सकते हैं। और जो BA का रिजल्ट था वो पहले ही अपलोड कर दी जा चुकी थी यानी BA का रिजल्ट पहले ही आ चुका था। तो BA का रिजल्ट आ चुका है, BSc का रिजल्ट आ चुका है, BCOM का रिजल्ट आ चुका है। इसका मतलब अब MA, MSc, MCOM एंड जो भी वोकेशनल कोर्सेज के लिए तो ऑलरेडी स्टार्टेड है एंड जो MA, MSc, MCOM जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं अब उसमें भी एप्लीकेशंस के प्रोसेस बहुत ही जल्द यानी जल्द कहने का मतलब है कि आज आपका डेट हो गया है 28 एंड 30 तक मैक्सिमम 30 तक ये सारे अपडेट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपडेट कर दिए जाएंगे यानी ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए भी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जबकि वोकेशनल कोर्सेज के ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बेसिक स्टेप बता देता हूं एंड आपको बेसिक स्टेप को कंप्लीट करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है एंड देन आपको फाइंड आउट करना होता है अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है एडमिशन इन मास्टर इन PMIR PG सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज LLB BFA BLIS इस तरीके से आपको एक प्रोग्राम मिल जाता है। आप इस प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ जो अलर्ट अपडेट वाला किसी भी आप सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो अभी PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है, बट ये PDF भी 30 अक्टूबर तक डाउनलोड होना सारा स्टार्ट हो जाएगा। इस पर काम चल रहा है चूंकि अभी रिजल्ट आया ही है पार्ट थर्ड का कल, तो ये सारे प्रोसेस ये सारे जो सॉफ्टवेयर है इस पर अपडेशन सब चलेगी एंड एप्लीकेशन प्रोसेस जो BA, BSc, BCOM कोर्सेज के लिए यानी जो PG के कोर्सेज होते हैं MA, MSc, MCOM ये सारे कोर्सेज को भी अटैच किया जाएगा बहुत ही जल्द। बट अभी जो कोर्सेज चल रहा है उसे ध्यान रखिएगा वोकेशनल कोर्सेज के लिए चल रहा है। बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस को सबमिट करने के लिए, तो अभी इस तरीके से मैं अप्लाई ऑनलाइन करके सेक्शन इस सेक्शन पे विजिट किया हूँ। यहाँ न्यू एप्लीकेशन फॉर एडमिशन वाले सेक्शन में आते हैं। देन आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटेल है वो आपका है एडमिशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे MA, MSc, MCOM को नहीं जोड़ा गया है जो कि ट्रेडिशनल कोर्सेज है, बट सारे वोकेशनल कोर्सेज को जोड़ दिए गए हैं। लाइक MSc इन्वायरमेंटल साइंस, MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, मास्टर इन PMIR, मास्टर इन रूरल स्टडीज, मास्टर इन सोशल वर्क, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ म्यूजिक, मास्टर ऑफ वुमेन स्टडीज, ये सारे मास्टर कोर्सेस हैं। एंड अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा साइंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में ये सारे कोर्सेज के लिए अभी ऑनलाइन के प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। एंड आपको ऑनलाइन का लास्ट प्रोसेस का डेट आपको बता दें, दैट इज 20 नवंबर इसके लिए लास्ट डेट है। एंड 20 नवंबर से पहले मीन्स 20 नवंबर तक तो ये लास्ट डेट है, बट इसके पहले ही सारा लगभग स्टूडेंट का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि लगभग सारे स्टूडेंट्स 10 नवंबर तक ही एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, जो इसका डिमांड रेट है। जैसे खाली मेनली बात है कि इसके जो सारे कोर्सेज है इसको एक्सप्लोर करना है वेबसाइट पे यानी पोर्टल पे, यानी स्टूडेंट को खाली पता चलना चाहिए। एंड जैसे ही स्टूडेंट को पता चलता है फिर इसके एप्लीकेशन को सबमिशन करने में किसी भी प्रकार का डिले कोई भी स्टूडेंट करना नहीं पसंद करता है। तो एप्लीकेशन तो बहुत ही ज्यादा सबमिट होंगे इतना तो कंफर्म है, बट क्या सारा कुछ कट ऑफ जाएगा। एंड फ्यूचर जो भी होगा पीजी के कोर्सेज के, चाहे यूजी कोर्सेज या जो भी कोर्सेज हो पटना यूनिवर्सिटी के, वो हर अपडेट आपको इस चैनल से मिलेगा। तो आपको वो सारा प्रॉब्लम के बारे में तो सोचना नहीं है, जो भी इन फ्यूचर अपडेट होगा हम आपको अपडेट देंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करके इसके बाद आप ऑलरेडी यानी रजिस्ट्रेशन में जो भी सारा डिटेल मांगता है आप सारे डिटेल्स को फुलफिल कीजिए। एंड फुलफिल करने के बाद आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे करके फिर आगे के प्रोग्राम को कंप्लीट कीजिए। बट एक्जैक्टली मैं भी पूरा प्रोसेस करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मुझे एक्जैक्टली अपना तो अप्लाई करना नहीं है। एंड किसी स्टूडेंट्स को अगर अप्लाई करना रहे देन यू कैन सपोर्ट मी, एंड आपके एप्लीकेशन को हम सबमिट करेंगे, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे एंड फिर वीडियो बना करके दूसरे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कर देंगे। तो जो भी व्यूवर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई एक व्यूवर्स आगे बढ़े एंड हमें सपोर्ट करे वीडियो बनाने में, ताकि हम आपके डिटेल्स के सपोर्ट से वीडियो को प्रिपेयर कर सके एंड फिर दूसरे के लिए उसे अवेलेबल कर सके, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके एंड आपके एक छोटे से स्टेप से किसी दूसरे स्टूडेंट्स की जो होने वाली गलतियों है वो गलतियों से बच सकते हैं। देन प्लीज हेल्प मी एंड हेल्प अदर, एंड आपकी हेल्प से दूसरे का हेल्प जरूर होगा। सो प्लीज ऐसी भावना के साथ प्लीज किसी ना किसी को सपोर्ट कीजिए। एंड आप सपोर्ट करते हैं तो फिर दूसरे को फिर आपको भी कोई ना कोई सपोर्ट 100% करेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को अपने तरीके से कंप्लीट कर लीजिए एंड देन फिर अपना आईडी एंड पासवर्ड शेयर कीजिए। एंड फिर जो भी हमसे कॉन्टैक्ट होने का जो सारा प्रोसेस है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं या फिर एटलीस्ट कम से कम कमेंट लिखिए, इसके बाद मैं अपना नंबर दूंगा। ऐसे मैं पर्सनली इस वेबसाइट पर एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूँ नंबर। देन फिर आपका मैं एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस है मैं खुद से कंप्लीट करूंगा एंड फिर इसके बाद मैं आपको रिसीविंग फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो कोई एक कैंडिडेट कॉन्टैक्ट मी एंड उनका सारा प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद फिर इन फ्यूचर इस पे जो पूरा वीडियो है मैं वीडियो बना करके इस पोर्टल पे यानी इस चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। एंड रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात अपनी हुई कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेस है लाइक MA, MSc, MCOम उसके लिए डाटा जो डिटेल है आपको 30 अक्टूबर तक यानी जो कह सकते हैं कि सारा अपडेट को तो यानी जो सारा प्रोसेस है उसको तो हर हालत में यानी फेस्टिवल के सीजन से पहले ही सारा अपडेट ला दिया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि चूंकि अभी यूजी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है स्पोर्ट एडमिशन में एंड स्पोर्ट एडमिशन के कारण जो एडमिशंस कमेटी है यानी जो एडमिशन इंचार्ज है वो जरा सा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो अभी उस पर उनका फोकस है। एंड जैसे ही ये प्रॉब्लम रिसॉल्व होता है देन फिर जो MA, MSc, MCOम यानी जो ट्रेडिशनल कोर्सेस है उसके सारे अपडेट आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो आपको वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहना है, या फिर अगर आप वेबसाइट चेक नहीं करते तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, हम आपको सारा अपडेट देते रहेंगे। आपको इसके लिए जरा सभी आपको थिंकिंग वगैरह नहीं करना है, आपको जरा सभी परेशान होना नहीं है। सो गाइस ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जिसके रिगार्डिंग इस वीडियोज को बनाकर हम आपको अपडेट कर थे। कारण है कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें हमसे पूछा जा रहा था कि ट्रेडिशनल कोर्स का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। सो फाइनली गाइस वीडियो देखने के लिए आपका